कभी सैयन की भर्ती निरस्त होती है, कभी पटवारी की भर्ती निरस्त हो जाती है, कभी किसी भर्ती में धांधली हो रही है। इस भर्ती में भी बार बार अफवाहें आ रही है, बार बार ये उड़ रहा है कि उमर सीट ये वो, कोई कहीं पैसे ले रहा है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। साथियों, इस प्रकार की धांधली होती है तो हम लोग अपने किसी भी चीज का ख्याल नहीं रखते। एक बात बताओ, 8-8 लाख में हम लोगों ने आज डिग्रियां करी, 10-10 लाख में हमारे छात्रों ने अपना भविष्य अंधकार में डाला। एक तरीके से 10-10 लाख रुपए लोन लेकर पढ़ाइया की, और ये सरकारें क्या करती है हमारे साथ, हर जगह पे अन्याय। आज 2 साल हो गए इस भर्ती को, 2 साल में क्या भर्ती की सूद नहीं ले सकते थे मंत्री जी? मंत्री को कितने दिन हो गए आए हुए? आज फिर से आज इस भर्ती में इन लोगों ने परीक्षा करा दी, परीक्षा कराई, इतनी मेहनत की हम लोगों ने, मेहनत करने के बाद इतनी मुश्किल से इन्होंने भर्तियां निकाली। भर्तियां निकाल के कभी उसमें 4,000 की सीटें अलग कर दी, कभी 1,500 की सीटें अलग कर दी। एक बात बताओ, जब 5,500 की एक पूरी फाइल आई थी तो इसको 2 टुकड़ों में करने की आवश्यकता कहाँ आ गई थी सरकार को? साथियों, ये हम लोगों को बेवकूफ समझते हैं। जब तक हम सब जागरूक नहीं होंगे तब तक ये मान लीजिए कि हमारा भला नहीं हो सकता। और हमारे भले के लिए स्वास्थ्य बोर्ड पे पहले भी हम आए थे, पीपीपी बोर्ड पे सारी प्रोफेशन को देने की बात हो गई थी, मेडिकल को, तब अपन लोगों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी थी यहाँ पे। उसी तरह से हम लोगों को अब जागरूक होना होगा। अगर सरकारें हमारी बात नहीं सुनेंगी तो सरकार के खिलाफ हम और भी बड़ा आंदोलन करेंगे, और बहुत जबरदस्त आंदोलन करेंगे। साथियों, तुरंत प्रभाव से कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का अधिकार जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर भर्ती का रिजल्ट जारी हो, जारी हो, जारी हो, जारी हो, जारी हो, जारी हो। हमारा नारा है संघर्ष, हमारा नारा है जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जारी करो, जारी करो, जारी करो। ये भर्ती आप लोगों को पता है, 2 साल हो गए। कभी समित शर्मा अधिकारी थे, एनएसएम एमडी थे, 28 लोगों पे झूठा मामला एक तरीके से लगाकर, झूठा उन लोगों पे आरोप लगाकर इस भर्ती को पेश कर दिया गया। उसके बाद इस इन्हीं मंत्री जी ने, और अब लगातार हम लोगों ने संघर्ष करके इस भर्ती को निरस्त कर दिया था इन लोगों ने। फिर अपन लोगों ने वापिस इसका पूरा प्रोसेस शुरू किया, आंदोलन किए, तब जाकर इन्होंने 2310 भर्तियों में 5,500 भर्तियां जोड़ने की बात कही। दूसरी जो फाइल थी वो जोड़ने की बात कही। हालांकि इसमें अधिकारी अच्छे से काम कर रहे हैं, हम अधिकारियों के पक्ष में भी रहे हैं, लेकिन अब 2 महीने जब हो चुके हैं तो बार बार आश्वासन मिलने से सभी छात्र भ्रमित हो रखे, और भ्रमित होने की वजह से आज हम बहुत ज्यादा बेचारे जो 10-10 साल से जो बेरोजगार वेट कर रहे हैं भर्तियों का, उन भर्तियों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, उन बेरोजगारों के साथ घोर अन्याय हो रहा है, और ये सरकारें इस पर तुरंत प्रभाव से सूद नहीं लेती है तो इन सरकारों की सूद लेने वाला कोई बचेगा नहीं। ध्यान में रख लेना अशोक गहलोत जी, ध्यान में रख लेना रघु शर्मा जी, हम किसी चीज से नहीं डरते। आप हमारे पे जो करना चाहते हो कर लेना, लेकिन इस सरकार को स्पष्ट शब्दों में मैं कह देना चाहता हूँ, इस प्रशासन खड़ा है यहाँ पे, पुलिस प्रशासन भी खड़ा है, हम स्पष्ट शब्दों में कह देना चाहते हैं, हम किसी से नहीं डरने वाले, हमारे साथ जो करना कर लीजिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हमें रिजल्ट चाहिए, हमें भर्तियां चाहिए, हमें जितनी भर्तियां चाहिए वो सारी लिखित परीक्षा से चाहिए, और एक भी यूटीपी पे भर्ती नहीं चाहिए। साथियों, मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही। हमें शब्दों में कोई भर्ती नहीं चाहिए। 7,000 में एनएसएम के अंदर शोषण करते हैं, मैं देखता हूँ अब आगे कौन शोषण करता है। अब हमारे सारे बेरोजगार और युवा साथी और एनएचएम में लगे हुए कर्मचारी सब हमारे साथ हैं, और हम उनके हताहत दिल से हम लोग भी चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आज के बाद कोई भी भर्ती में 7,000 की तनख्वाह में नरेगा से भी कम सैलरी में कोई भर्ती निकाल के दिखाए, उस भर्ती का पर खच्चे उड़ा देंगे। उड़ा देंगे ना, बिल्कुल। हम 7,000 की कोशिश नहीं करेंगे साथियों। अरे नहीं, रिजल्ट जारी करवाओ ना कुछ।